वैल्यूएशन से दोबारा, तो रीवैल्यूएशन। अब हम बात करते हैं डेप्रिशिएबल एसेट की। सच इज टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ बिल्डिंग। अब देखें होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल हमने एक बिल्डिंग परचेज की जिसकी कॉस्ट थी 500,000 और उसका डेप्रिसिएशन हमने कहा कि स्ट्रेट लाइन पे होगा 20% पर एनम, और ये हमने खरीदा था 1 जनवरी 2016 पे। क्या पीछे से आवाजें आ रही हैं हवा की? और हवा की आवाजें नॉर्मली आती है, हवा की आवाज नहीं सर, मतलब कोई रोड तो होता है ना ऐसा, ज्यादा आ रही हैं? नहीं सर अब बंद हो गई, मैं बोल रहा हूँ फिर चेक करो, आ रही हैं? नहीं अभी नहीं आ रही। चलो सर कंटिन्यू करता हूँ, मेरी तरफ से नहीं है ऐसा मतलब। अच्छा जी, तो अब नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट करेंगे ईयर एंड के ऊपर, तो कितना होगा 500,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, 1,00,000 का डेप्रिसिएशन होगा और कैरिंग अमाउंट कितना हो गया 400,000। इज इट क्लियर जी? तो हमारी बुक वैल्यू कितनी आ गई 400,000। अच्छा, अकाउंटेंट कह रहा है कि मार्केट वैल्यू चल रही है 4,80,000 और वो चाहता है कि इसको रीवैल्यू कर लिया जाए, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना क्रिएट होगा? 80। रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट हो गया 80,000। अच्छा, टैक्स अथॉरिटी इसके अगेंस्ट डेफर टैक्स की जो कैलकुलेशन करती है तो वो तो टैक्स बेस के कॉन्सेप्ट पे चलती है ना, तो उन्होंने कहा कि जो डेप्रिसिएशन हम आपको पहले साल अलाउ कर रहे हैं वो डेप्रिसिएशन हम आपको अलाउ कर रहे हैं 25% रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। तो उनके हिसाब से कॉस्ट कितनी है 500,000 और 1 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करें दोनों में से किसी एक के बैकग्राउंड की आवाज है। सर मेरा तो क्लियर चल रहा है, थोड़ा सा क्लोज एनवायरनमेंट में आएंगे ना जहाँ थोड़े से सन्नाटा हो, आवाज आवाज। मैंने तो म्यूट किया हुआ है माइक, मेरा तो मल्टी म्यूट किया। सही है, तो फिर थोड़ी बहुत आवाजें तो बर्दाश्त कर लेनी चाहिए यार जिंदगी में। कितना होगा 25%? 1,25,000। कितना आया वैल्यू अहमद? सही है। हेलो जी सर, जी सर माइक म्यूट हो गया था। तो कैरिंग अमाउंट आ गया 3,75,000, ये टैक्स बेस हो गई जी सर। अब कैरिंग अमाउंट हमने निकाला 4,80,000 रिवैल्यूएशन के बाद। अच्छा, रीवैल्यूएशन से पहले 4,00,000 ये ज़हन में रहे, सही है, ठीक है, ताकि हमें पता हो कि रीवैल्यूएशन की वजह से कितना डिफरेंस आ रहा है और रीवैल्यूएशन के बगैर कितना डिफरेंस आ रहा है। और टैक्स बेस कितना है डिफरेंस निकालो। तो 105 ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा, डिडक्टेबल होगा? ये सर टैक्सेबल टेंपरेरी डिफरेंस है, नहीं डिडक्टेबल टेंपरेरी डिफरेंस है। हां, टैक्स रेट 30% अज्यूम कर लिया मैंने, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गई। सर ये तो एसेट है ना? नहीं, कैसे एसेट होगा? कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, टैक्सेबल टेंपरेरी डिफरेंस से लायबिलिटी बनती है। हां टैक्सेबल टेंपरेरी, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। 105 का 30%। यस सर, ये 31.5 आ रहा है।
31,500 इसकी लाइबिलिटी बुक करनी है हमें, सही है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बुक करनी है 31,500। तो हम नॉर्मल हालात में क्या करते हैं, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देते हैं। सर ये 480 जो, ये तो मार्केट वैल्यू है ना, तो ये कैरिंग वैल्यू तो मार्केट वैल्यू यही बन जाएगी। कैरिंग वैल्यू थी 4 लाख, लेकिन जब रीवैल्यू कर दिया तो कैरिंग वैल्यू अब 4,80,000 हो गई। सही है। अच्छा अब इसके अंदर ये जो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है ना, तो टेम्परेरी डिफरेंस में अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ तो टेम्परेरी डिफरेंस में डेप्रिसिएशन की वजह से भी डिफरेंस आ रहा है। डेप्रिसिएशन 1 लाख का है और यहाँ डेप्रिसिएशन 1,25,000 का है, समझ रहे हो? टेम्पररी डिफरेंस को अगर मैं तोड़ दूं तो इसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक डेप्रिसिएशन और एक रिवैल्यूएशन सरप्लस। रिवैल्यूएशन सरप्लस 80,000 का है और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस 25,000 का है। इसका 30% निकाल लो, इसका 30% निकाल लो, सर उसका 80,000 का तो 24,000 हो गया और इसका हो गया 30% ना, 9,450 नहीं सॉरी 25,000 सर 7,500। मुझे एक सेकंड दोगे? जस्ट अ मिनट। मैंने क्या किया है, मैं ये कह रहा हूँ कि 7,500 का जो इम्पैक्ट आ रहा है वो डेप्रिसिएशन की वजह से आ रहा है और 24,000 का जो इम्पैक्ट आ रहा है वो रिवैल्यूएशन की वजह से आ रहा है। ये मैंने आइसोलेट क्यों किया है? क्योंकि एंट्री में जो अफेक्ट आएगा अगर रिवैल्यूएशन की वजह से डेफर्ड टैक्स क्रिएट हुआ तो ओसीआई में जाएगा, और अगर डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ तो वो पीएनएल में जाएगा। तो पीएनएल डेबिट बाय 7,500, OCI डेबिट बाय 24,000 और डेफर टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट बाय 31,500। यह है काम की चीज। सही। कि अगर डेफर टैक्स किसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम की वजह से आता है तो उसका इंपैक्ट भी पीएनएल में डेबिट होगा, और अगर डेफर टैक्स किसी OCI आइटम की वजह से आता है सच एज रिवैल्यूएशन तो उसका इंपैक्ट भी रिवैल्यूएशन से ऑफसेट होगा। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना आया था? 80,000। लेकिन बैलेंस शीट और OCI में रिप्रेजेंट कितना होगा? माइनस कर दो 56 और इसको कहेंगे नेट ऑफ टैक्स। अब ये ध्यान में रखना, ये आगे जाके कैश फ्लो में हिट करता है कि वो आपको नेट ऑफ टैक्स बता देता है और आपको उसका ओरिजिनल अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ता है। ये सर बैलेंस शीट में जाएगा? हाँ, बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन सरप्लस जाएगा, नेट ऑफ टैक्स जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना डेफर्ड टैक्स जाएगा? 7,500 का। 7,500। OCI में कितना जाएगा? 24,000 का। बैलेंस शीट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जाएगी 31,500 की और बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन सरप्लस रिफ्लेक्ट होगा 56,000। बैलेंस शीट में 31,500 क्या देगी? लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। सही है। टैक्स लॉसेस, हम तुम दोनों ने टैक्स पढ़ा हुआ है जी। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास टैक्स लॉसेस आते हैं तो या तो वो कैरी बैक कर लेते हैं उसको जी सर, या फ्यूचर ईयर से ऑफसेट करवाते हैं। सही। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास करंट ईयर में लॉसेस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10 मिलियन के, और ऑर्गेनाइजेशन उसको कैरी बैक कर रही है तो नो डेफर्ड टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस। व्हाई?
क्योंकि डेफर्ड टैक्स आलू तो फ्यूचर से होता है ना जी, और हमने तो इसको पास से ऑफसेट करवाया तो हमें तो इमीडिएटली रिफंड मिल जाएगा। कितना रिफंड मिलेगा? ये डेफर्ड टैक्स तो नहीं हुआ है तो करंट एसेट बन जाएगा, और हम कहेंगे टैक्स रिसीवेबल डेबिट, इसको रिसीवेबल में डाल देंगे और इनकम में डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो इसका मतलब हुआ लॉसेस को अगर तुम पास्ट से कैरी बैक करते हो तो डेफर्ड टैक्स क्रिएट नहीं होगा, लेकिन अगर यही लॉसेस तुमने फ्यूचर से ऑफसेट करवाए, लेकिन प्रोवाइडेड दैट फ्यूचर में 10 मिलियन का प्रॉफिट आना चाहिए, ये बात ध्यान में रहे। और सर उस साल का टैक्स भी खत्म होने के बाद या उससे पहले? उस साल में तो टैक्स है ही नहीं ना, करंट ईयर में तो फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ, फॉरवर्ड में कम से कम 10 मिलियन का प्रॉफिट आएगा तो ऑफसेट करेंगे ना। और सर उस साल का जो टैक्स होगा वो पहले माइनस होगा बाद में? क्या मतलब? दो ये उस साल का आपके पास जो है ना वो 12 मिलियन का प्रॉफिट आया, उसमें से आपने 10 मिलियन ऑफसेट करवा दिया, अब आप टैक्सेस के ऊपर देंगे 2 मिलियन पे तो आप टैक्स देंगे ना, हम तो रिलीफ की बात कर रहे हैं, हम तो 10 मिलियन का रिलीफ फाइंड आउट कर रहे हैं, और तो हम तो ये बात कर रहे हैं कि ये जो 3 मिलियन आपको बेनिफिट मिल रहा है क्या रिकॉर्ड करें इस बेनिफिट को, क्या उसको डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड करें? तो लॉसेस की वजह से आज जो लॉसेस आ रहे हैं इससे हमारे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ेंगे कि हमारा टैक्स कम हो जाएगा 3 मिलियन से, क्योंकि फ्यूचर में रिफंड तो नहीं मिलता, फ्यूचर में तो ऑफसेटिंग होती है। तो अगर हम लॉसेस को फॉरवर्ड पे लेके जाएंगे तो मैं 3 मिलियन का डेफर्ड टैक्स एसेट बुक कर सकता हूँ, डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट 3 मिलियन से, और आज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा 3 मिलियन से, प्रोवाइडेड दैट sufficient profit will be available in future to offset this loss. ये बात समझ में आती है? देखो अगर आज मेरे पास 10 मिलियन के टैक्स लॉसेस आते हैं और मुझे पता है कि अगले साल प्रॉफिट 10 मिलियन से ज्यादा आएगा, तो आज मैं ये कह रहा हूँ कि अगले साल जितना भी प्रॉफिट आएगा पहले मैं 10 मिलियन ऑफसेट करवाऊंगा, जब मैं 10 मिलियन ऑफसेट करवाऊंगा तो फ्यूचर में मेरी टैक्स लायबिलिटी कम होगी। कितने से कम होगी? 10 मिलियन का 30%, 3 मिलियन। तो 3 मिलियन का जो इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे होगा उसको आज मैं डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड करूँ। इसका मतलब ये हुआ आसान अल्फाज